दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड में कल आपने देखा होगा कि मार्केट जहां पर ओपन हुआ था वहां से इसमें थोड़ा सा एक रेंज बाउंड ट्रेड रहा था और इवनिंग सेशन होते होते इसने एक नीचे का लेवल टच करा था, पर वहां पर भी इसमें एक बाइंग आ गई थी और गोल्ड जो है 46,160 का आई थिंक इसने ये हाई लगाया था और क्लोजिंग दी इसने 46,092 की। अभी अगर मैं बात करूं इस टाइम कॉमेक्स पर जो गोल्ड ट्रेड कर रहा है वहाँ पर गोल्ड ने 1604 के वो सॉरी 1704 के अराउंड का एक हाई लगाया है और अभी 1698 के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है, मतलब अपने हाई से करीब करीब $6 नीचे आ गया है। तो राउंड अबाउट हमारा जो करंट प्राइस है जो अभी जो कॉमेक्स पर ट्रेड हो रहा है वो लगभग बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए जहाँ पर इसने क्लोजिंग करी है। जो मैं करंट प्राइस है मैं उसको लेकर बात कर रहा हूँ, ठीक है। उससे अलग अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि डॉलर स्ट्रांग होता है या वीक होता है उसको लेकर भी जो कन्वर्जन रेट है उसकी वजह से गोल्ड में एक असर आएगा कि किस तरीके का ट्रेंड हो। अगर डॉलर वीक होता रहा, जैसा कि मतलब लग भी रहा है, पर डॉलर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है 76 के अराउंड, पर वो उसमें भी एक सेलिंग का प्रेशर बन रहा है, पर एक डायरेक्शनलेस मूवमेंट में है अभी, मतलब एक रेंज में वो ट्रेड कर रहा है। नीचे के लेवल पे आता है वहाँ से फिर से इसमें एक बाइंग आ जाती है रुपी डॉलर के कन्वर्जन रेट में, ठीक है। तो वहाँ पर अगर डॉलर वीक होना शुरू होता है तो वो गोल्ड के लिए काफ़ी एक डाउनसाइड को सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किसने कमेंट सेक्शन में भी ये कहा है कि गोल्ड ऊपर क्यों जा रहा है। देखिए मैं आपको ऊपर जाने का मैं बताता हूँ, अगर आप इसका थोड़ा एक शॉर्ट टर्म व्यू लेंगे तो मेरे ख्याल से आपको खुद ही लगेगा कि आपका सवाल गलत है। सवाल इसलिए गलत है क्योंकि हम एक चीज़ देखकर सोचते हैं कि आज गोल्ड का ट्रेंड कैसा रहा। अगर मैं सिर्फ कल की बात करूँ तो मैं खुद कहूँगा कि हाँ गोल्ड में तेज़ी थी और गोल्ड जो है पूरे दिन एक रेंज में ट्रेड होके अपने हाई के आसपास क्लोज हुआ है। और अल्टीमेटली अगर मैं आपको एक चार्ट का पूरा ओवरव्यू दिखाऊं तो इसमें जो एक कर्व सा बनना शुरू हो रहा है धीरे धीरे डेली चार्ट्स पर जो सेलिंग की तरफ ही से ले जा रहा है, आपको मैं अभी सारी चीज़ें वो दिखाऊंगा। तो गोल्ड में मैं आपको बताता हूं, पहली चीज़ कि इसमें 46,500 का लेवल वो है, देखिए 46,500 का। और मैंने कॉमेक्स पर बताया था, कल एक वीडियो मैंने अपलोड करा था वहाँ पर मैंने आपको बताया था 1711 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तो इसमें बाइंग आने के चांसेस रहेंगे, मतलब जो एक टर्न होता है ऊपर का। तो 1711 का लेवल वहाँ पर हम ध्यान में रखेंगे और 46,500 का हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके ऊपर इसमें थोड़ी सी एक तेज़ी आने के चांसेस हमें लगेंगे। उससे पहले मुझे ये लग रहा है कि गोल्ड जो है वो आज में भी काफ़ी ज़्यादा करेक्ट होना चाहिए। देखिए ट्यूसडे है, मैंने मंडे का एक एक्सपेक्ट भी मैंने ऐसे ही करा था कि गोल्ड जो है वो रेंज में ही ट्रेड करेगा और रहा पूरे दिन रेंज में, पर एंड होते होते इसने अपने थोड़ा सा ऊपर एक थोड़ा सा एक स्ट्रेंथ बनाते हुए अपने आप को दिखाया है। तो यहाँ पर इसने अपनी क्लोजिंग दे दी। तो ऐसा नहीं है कि ये सिंगल एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेड करता चला हो और ऊपर की तरफ आकर क्लोज हो गया हो। आज गोल्ड जो एक्सपेक्टेड है वो इसका जो प्रेशर है वो ज़रूर डाउनसाइड की तरफ बना रहेगा। हो सकता है कि ये कल का हाई भी ब्रेक कर दे आज, पर वहाँ पर भी सेलिंग आने के काफ़ी चांसेस रहेंगे, मतलब ये 200 के आसपास कहीं ट्रेड करे पर वहाँ भी सेलिंग आने के चांसेस रहेंगे, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक घंटे का चार्ट दिखाता हूँ। देखिए यहाँ भी अगर आप देखेंगे ना तो मैं आपको बताता हूँ कि गोल्ड का जो अल्टीमेटली जो एक ट्रेंड है वो नीचे की तरफ है, वो ऊपर की तरफ नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये लोअर हाइज बनते जा रहे हैं, ठीक है। ये एक उस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं कि इसमें सेलिंग प्रेशर है। जो सेलिंग आती है वो इतनी आ जाती है, बाइंग आती है कई कैंडल्स में बन के आती है और धीरे धीरे ऊपर जाती है। अब ये इस तरीके का चार्ट आप सिर्फ आज नहीं देखेंगे, कई दिन से मतलब काफ़ी टाइम से कुछ इसी तरीके का चार्ट चल रहा है। जो बाइंग आ रही है वो बहुत धीरे धीरे आ रही है, जो सेलिंग आ रही है वो शार्प आ रही है एकदम। तो इसमें सेलिंग का ही प्रेशर है, बस ये ज़रूर है कि नीचे के लेवल पे सपोर्ट लेने की ज़रूर कोशिश कर रहा है। यहाँ भी हम देखेंगे कि इसका अगर मैं इस पूरी रेंज का अगर मैं आपको ओवरव्यू दूँ तो आप खुद ये कहेंगे कि हाँ यहाँ पर जो था वो इसने एक हाई बनाया था, वहाँ से एक शार्प करेक्शन आई, उसके बाद इसमें एक इस तरीके के एक लोअर लोज लगते चले गए और लोअर हाइज लगते चले गए, ठीक है। अब
ये इस जो पूरा पूरा जो इसके इसका एक एरिया हम मानेंगे इसके नीचे ही आने की कोशिश कर रहा है, और उसके चांसेस इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इसने कॉमेक्स पर भी $1,670 का एक लो बनाया है, जिसका हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो शायद इसी हफ्ते ये ब्रेक कर देगा। तो अगर इसी तरीके का ट्रेंड रहता है तो गोल्ड में एक हम सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देख सकते हैं। और अब बात करते हैं कि हमारा यहाँ पर कॉमेक्स वो MCX पे किस तरीके का एक चार्ट हम बनता हुआ देख रहे हैं, और अब हमें क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि 46,800 के नीचे हमें सेलिंग करनी चाहिए, और उसमें जब जो अब तक का हाई होगा उसे हमें स्टॉप लॉस लेना चाहिए। तो ये था मेरे गोल्ड पे आज का वीडियो, बने रहे मेरे साथ, धन्यवाद।